मेरी इस लड़ाई में साथ है, साथ है। क्योंकि ये लड़ाई अकेले मेरी नहीं, किसानों की और जवानों की है, ये सोच लीजिए। और उस बेटी की भी है जिसका चीरहरण इन्होंने किया था लखीमपुर में, साड़ी खींची थी ना, रात के 2 बजे बलात्कार किया था ना, बाल्मीकि समाज की बेटी का, मनीषा वाल्मीकि का, एक एमपी एमएलए को खांसी आ जा, पूरे डिपार्टमेंट खाली हो जा, लेकिन उस लड़की के लिए बेड तक नहीं दिया इन्होंने एम्स अस्पताल में इलाज के लिए। लुके जी जगह खाली नहीं है, बड़ी मुश्किलों जोरों जोर से वो कराया गया। तो ये तमाम उन बेटियों की और किसानों की लड़ाई है। और हमारे बीच में अंगद है, दो शब्द बोलना चाहेंगे। मैं चाहती हूँ कि बोले, मेरे लिए वोट भी मांगे। सत श्रीकाल, आप सभी मेरी बहन पूनम पंडित को वोट दीजिए। अगर आप अपने सियाना विधानसभा क्षेत्र का भला चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक किसान की बेटी को यहाँ का एमएलए बनाइए, जिससे किसान मजदूर गरीब की आवाज उठे और जिससे ये हमारा सियाना जगह जो है ये लखनऊ बने। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माला ले लिया, अपनी अम्मी को दे दिए। ऐसा नहीं करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं कहीं। अब सुन लो सारे, जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, सब है भाई भाई। और जो ये हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं इनको नहीं लाना, नहीं लाना। जब हम सारे भाई भाई हैं तो जो ये हिंदू मुस्लिम करते हैं इनको यहाँ पे नहीं आने देंगे, यूपी में नहीं आने देंगे, सियाना में नहीं आने देंगे। 700 किसानों के अत्याचार की पार्टी में रहना होगा, सबको अपना कहना होगा। लखीमपुर खीरी की घटना, आज तक योगी जी ने कुछ नहीं शब्द बोले, ना मोदी जी ने बोले। इसलिए प्रियंका गांधी गई लखीमपुर खीरी में और जाके उन्होंने, पर उनको जेल में डाल दिया गया, उनको नहीं जाने दिया। जो सच की आवाज उठाता है उसको जेल में डाल देते हैं, उस पे इल्जाम लगा देते हैं। इसलिए पूनम पंडित को जिताओ, और पूनम पंडित जिससे आपकी हकों की आवाज उठा सके और विकास कर सके। हमारे बीच में हमारे नरेंद्र भाई भी आए हुए हैं, अंगद जो है उनके फादर साहब, मैं उनसे अनुरोध। जय जवान जय किसान साथियों, ये जो टाइम है ये साबित करने का है कि हम लोगों का विचार और जमीर जिंदा है या मर गया है। अगर हमारा विचार और जमीर दोनों जिंदा है तो सच और हक की आवाज उठाने के लिए तैयार होना होगा। हमें बिकने और झुकने की बजाय टिकने और लड़ने की जरूरत है, और जो टिकाऊ और लड़ने वाले हैं उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। पूनम पंडित किसी के साथ सौदेबाजी करके टिकट लेके नहीं आई, इसके अंदर वो ताकत थी जिसको पहचाना, एक देश की सबसे पुरानी पार्टी ने पहचाना कि जाके उनको लेके आई सियाना जैसे विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ आज महिलाओं की स्थिति क्या है, बच्चियों के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज तक यहाँ पर नहीं है। पूनम पंडित बहन पिछले 3-4 दिनों से लगातार अगर किसी चीज की आवाज उठा रही है तो वो ये कि क्यों यहाँ पर लड़कियों के लिए अच्छे स्कूल और हॉस्पिटल नहीं है, क्यों छोटे बच्चों के लिए अस्पताल नहीं है। आखिर सरकार देती क्या है? अगर शिक्षा नहीं दे सकते, स्वास्थ्य नहीं दे सकते, अच्छी सड़कें नहीं दे सकते तो दोगे क्या? हिंदू और मुसलमान के नाम पर जहर फैलाओगे? ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में रहना होगा, सबको अपना कहना होगा। बहना बिल्कुल सही बात कही है। हमारे बीच में कल्पना त्यागी जी भी आई हुई है और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी प्रियंका गांधी जी ने ये कहा था ना कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसमें जो पूनम पंडित का चुनाव किया है ना उन्होंने, वाकई हमारे पास एक ऐसी लड़की का चुनाव किया कि वाकई हमारे सबके हकों के लिए वो लड़ सकती है। तो कह दो तूफानों से कि कह दो तूफानों से कि आ रही है आंधियां, और प्रियंका अकेली नहीं है योगी जी, आ रही है हजारों गांधियां। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी है मुझे सपोर्ट करने के लिए आई है रजिया, और मैं उनसे चाहूंगी कि आप मेरी जो यहाँ सियाना विधानसभा का जो मेरा परिवार है आप इनको मैं मेवात क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। 6 इंटरनेशनल मेडल है मेरे ताइक्वांडो में और 37 मेडल है। भारत की पहली मुस्लिम लड़की जो कुश्ती करती है, ये बड़ी बात है। मैं पूनम पंडित के लिए स्पेशल इसलिए आई हूँ क्योंकि ये बहुत दमदार है, किसानों के लिए आवाज उठाने वाली पहली हिंदुस्तान की बेटी दमदार है, जिसे योगी जैसे आदमी के पसीने छुटा दिए। और मैं कहती हूँ यदि ये सियाना जैसे विधानसभा में एमएलए बनी तो मुझे ऐसा लगता है कि हर घर से पूनम निकलेगी, हर घर से पंडित निकलेगी। एक
बात हो रही है, इस विधानसभा क्षेत्र का नाम है सियाना, हर कोई सियाना है, समझदार है। आपकी बार पक्की बात है कि वोट कई जगह पे डालेगा और पूनम पंडित को जिताने। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के आपकी बेटी रजिया बानो आपसे निवेदन करती है, मेरी माता और बहनों, कि पूनम पंडित को सपोर्ट करके हाथ के नक्शे पे वोट करके इसको जिताओ और मजबूत क्षेत्र में लेकर आओ, ताकि लड़कियों के लिए आवाज उठ सके, हर आदमी के लिए आवाज उठ सके, और एक पूनम पंडित का एक ऐसा नाम है जो पूरे हिंदुस्तान में गूंज सके। बहुत बढ़िया, हमारे बीच हमारे भाई भी आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा ठीक है।